फाइनली ठरकियों की पहली पसंद मिर्जापुर 3 का टीजर आ चुका है। ठरकियों की पहली पसंद मिर्जापुर का सीजन 3 कब आएगा और हमारी गोटियां कब ठंडी पड़ी थी, ये बातें सुन सुन के मेरे कान पक गए थे। लेकिन फाइनली उसका टीजर आ गया है और उसके साथ साथ उसके रिलीज डेट भी आ गई है। बात करते हैं टीजर के बारे में। टीजर स्टार्ट होता है नर और मादा के संगम, माफ करना गुस्से में इधर उधर निकल, अरे नर और मादा के इंट्रोडक्शन वाले सीन से समय तो लगता है किसी और चैनल पर तो नहीं आ गए। उसके बाद हमारे ठरकी चच्चू दादा सबके कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन देने लगते हैं। इंट्रोडक्शन तो ऐसे देते हैं जैसी अभी तक इनकी ठरक नहीं मिटी हो। के बाद आते हैं हमारे कालिन भैया जो कि हर बार की तरह एक विलन के रोल में खूंखार देखने को मिलते हैं। उसके बाद गुड्डू भैया हमारी ठरकी आंटी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, सभी कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है। पहला सीजन और दूसरे सीजन की तरह ही इस बार भी इसमें हमें काफी सारा वायलेंस देखने को मिलेगा जो कि टीजर देखने के बाद पता चलता ही है। लेकिन सबकी बजाने वाले एक आदमी की हमें इस टीजर में कमी लगी, वो है मुन्ना भैया। आई बड़ाई कर लिया करो, आईएएस वाईएएस बनो। यहाँ मुन्ना भैया की एक भी झलक हमें इस टीजर में नहीं देखने को मिली। मे बी सरप्राइजली हमें मुन्ना भैया ट्रेलर या सीधे सीरीज में देखने को मिल सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बनाऊं कि बिना के हाथ में ये जो बच्चा है वो बड़ा होके मुन्ना भैया बनेगा, आप लिख के ले लो। तो सरप्राइजली देखा जाए तो सभी कैरेक्टर्स को अच्छी तरह से यूज किया गया है और कुछ नए कैरेक्टर्स भी हमें इसमें देखने को मिलते हैं। अभी एक्चुअली इसका प्लॉट किस तरफ जा रहा है वो तो अभी टीजर देखने से हमें रिवील नहीं होता है, मे बी ट्रेलर में हमें काफी कुछ रिवील होता देखने को मिलेगा। ट्रेलर टीजर देखने के बाद लगता तो है कि ये सीरीज एक बार फिर से ब्लॉकबस्टर हो जाएगी और एक नाइट हम देखने के बाद सब लोग इंतजार करेंगे इसका अगला सीजन कब आएगा। बात तो सही है। कि एक नाइट देखने के बाद हमारी गोटियां खड़ी हो जाएंगी और फिर से गोटियां खड़ी करने के लिए हमें काफी सारा इंतजार करना पड़ेगा। अगर आपने इस सीरीज का टीजर नहीं देखा हो तो जाके फटाफट टीजर देखिए और थोड़ी देर के लिए अपनी गोटियां गर्म कर लीजिए। अच्छा हमको सिखा दिया है। और अगर आपने टीजर देख लिया है तो आपको कैसा लगा टीजर, उसकी कमियां और उसके बेहतरीन पन हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए आपके अपने भाई के चंद्र पागल बॉलीवुड SM को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।